पुदीने के पत्ते 10 से 12, नीम के पत्ते, और इधर हमने लिया है 7 से 8 हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं, और इधर हमने लिया है 1 चम्मच जितना ग्रेटेड किया हुआ अदरक। इधर हमने लिया है 1/4 टीस्पून जितना मरी का पाउडर, और इधर हमने लिया है आधा चम्मच जीरा, और इधर हमने लिया है 2 इलायची, 4 लौंग, और 1 स्टारफुल, और 2 हमने तमालपत्र लिए हैं, पर इसको उसका उसके पीस कर लिए हैं छोटे छोटे। और इधर हमने लिया है आधा चम्मच जितना सिनेमन पाउडर, और इधर हमने लिया है 1/4 टीस्पून जितना खसखस का पाउडर, इधर हमने लिया है थोड़ा सा नमक और हल्दी का पाउडर, और इधर हमने 2 टीला ली है, और इधर हमने आधा लेमन लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 कप दही लिया है, उसके अंदर सबसे पहले हम ये पुदीने के पत्ते डाल देंगे, करी पत्ता सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ के ही डालेंगे हाथ से। फिर हमने जो इलायची ली थी, स्टार फूल लौंग और जो जीरा लिया था उसको हमने थोड़ा सा कूट लिया है, और फिर हम ये डाल देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। खसखस डालेंगे, आधा चम्मच जितना दालचीनी का पाउडर डालेंगे, हल्दी और नमक डालेंगे, फिर हम इसके अंदर 2 टी बैग डालेंगे, और हम टी बैग तोड़ के ही डालेंगे, ये ग्रीन टी बैग है। और आप ये हर्बल ग्रीन टी है वो विंटर में या फिर जब मॉनसून आए तब, या फिर अभी कोरोना के सीजन में बहुत जगह पे कोरोना है, तो या फिर आपको किसी इन्फेक्शन लगा है, और अगर आपको फीवर अगर आपको खांसी आ रही है तो भी आप ये हर्बल ग्रीन टी भी पी सकते हो, क्योंकि इसमें इस सब में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारे हरे मसाले और हर्बल डाली हुई है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। हम इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ये सब सामान हमें बहुत ही आसानी से हमारे घर पर ही अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर छोटा सा जावित्री का टुकड़ा भी डाल सकते हो, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और अगर आप खड़ा मसाला नहीं चाहते हो तो वो भी आप स्किप कर सकते हो, बिना खड़ा मसाला डाले भी आप चाय बना सकते हो, तो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप देख सकते हो हमारा सब अच्छे से बॉईल होने लगा है, 5 मिनट हो गया है, अब हम सिर्फ 2 से 3 मिनट उबालेंगे। तो हमारी चाय अब 2 मिनट तक हम बॉईल और होने देंगे, तब तक हम इसके अंदर 1 चम्मच जितना हनी डाल देंगे कप में। और हम यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना
कप में डाल देंगे। और हम अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी हर्बल ग्रीन टी बनके तैयार है।